बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देखते हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज जुमे का दिन है तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आज के दिन जितना हो सकता है दुरूद पाक जो है वो कसर से पढ़ा करें क्योंकि हमारी तमाम परेशानी और मुश्किलों का हल इसी में है। और इसके साथ ही क्योंकि जुमे का दिन जो है वो बाबरकत दिन होता है, तमाम दिनों का सरदार भी होता है, तो इसमें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और अपने इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ। और इस टाइम जो एक आम बंदा जो है महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से और बहुत सारे हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए और हमारे तमाम जितनी भी मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनको दूर करें। इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद अल्ताफ बलोच साहब जो कि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साउथ पंजाब से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जी हमारे रोही के रिपोर्टर वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वसीम? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में। अब तो हमारे ये सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत सारी बीट को जो है ये देख रहे होते हैं, तो आज इनकी बीट से रिलेटेड भी बात होगी, जो हमारे यहाँ की टॉप स्टोरीज हैं, जो हमारे यहाँ के इश्यूज हैं मुल्तान के, उस पर बात करेंगे। सेक्रेटरीट के हवाले से भी बात होगी। सर हमारे साथ मौजूद हैं तो आज हम हायर एजुकेशन पे बात करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है साउथ पंजाब में। इस टाइम हमारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके हवाले से बात होगी। तो सर सबसे पहले तो आपके हवाले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से जान लेते हैं। सबसे पहले जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात करने का मौका दिया। जहाँ तक डिपार्टमेंट्स की बात है तो मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि साउथ पंजाब में 16 डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश हुए, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी था। पहले ये स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स दोनों इकट्ठे थे, 22 में इन दोनों को सेपरेट किया गया। जहाँ तक मेरी जिम्मेदारियों की बात है तो एज अ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं जिसमें हमारी जिम्मेदारियां लिखी होती हैं, एलेबोरेटेड होती हैं, तो उन जिम्मेदारियों के तहत तमाम सेक्टर्स अपनी जिम्मेदारियां परफॉर्म करते हैं। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चूँकि बहुत अहम महकमा है, आपको पता है कि सॉरी एजुकेशन जो है वो प्राइमरी से जब स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो उसके बाद फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का रोल स्टार्ट हो जाता है। हमारे कॉलेजेस और हमारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्बिट में फाल करते हैं। तो इस हवाले से हायर एजुकेशन साउथ पंजाब, साउथ पंजाब के तीन जो डिवीजन्स हैं मुल्तान, बहावलपुर और डी जी खाम, इसमें तमाम जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे तीन जो बोर्ड्स हैं, इन सब की एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको देख रहा है और बहुत इफेक्टिवली अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा है। अच्छा सर, ओवरऑल आपने क्या देखा है इस टाइम जनूबी पंजाब में जो हमारे मसाइल हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, हमारे एजुकेशन को लेकर? देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि जब आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन वो टीयर है जहाँ से आगे स्टूडेंट्स एक हायर डिग्री की तरफ जाते हैं, उसके बाद फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर हो जाते हैं। तो हमारे जो कॉलेजेस के कॉलेजेस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो एक उनकी जो पैटागोजिकल स्किल्स हैं, यानी पढ़ाने की जो उनकी टेक्निक्स हैं, इसके बाद स्टूडेंट्स की जो लर्निंग टेक्निक्स हैं, इनको हमने थरोली देखा। और सवाले से मैंने एक पॉलिसी बनाई, उसको मैं टू प्रॉन्ग्स पॉलिसी का नाम देता हूँ। एक तो था कि जी स्टूडेंट साइड पे उनकी लर्निंग जो कैपेसिटीज़ हैं उनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, दूसरी तरफ हमारे जो असातिज़ा हैं उनके जो डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उनकी कैपेसिटी को कैसे इन्हांस किया जा सकता है। साथ ही साथ हमारे जो कॉलेजेस हैं उसमें बहुत सी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, उसके अंदर बेहतरी की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉलेज अपने रिसोर्स से कर सकते हैं।
साथ ही साथ हमने इसके लिए एक बड़ा एक अच्छा मैकेनिज्म डिवाइस किया, जिसमें हमने जो कॉलेज के पुराने स्टूडेंट से पास आउट से जो आज बड़ी पोजीशंस में है, कोई मिलिट्री में है, कोई इसके बाद जुडिशरी में है, सिविल सर्विस में है, या किसी भी शोबा ज़िंदगी में किसी आम पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो हमने तमाम कॉलेजेस के में उनकी लिस्टें बनवाई और उनकी एक वॉल ऑफ प्राइड बना दी, उन पे उनकी तस्वीर भी लगा दी, उनके नाम भी लगा दिए। और इसके दो मकासद थे, एक तो ये था कि उनको कॉलेज के साथ उनका एक लिंकेज क्रिएट करवा दिया जाए, ताकि कॉलेज के जो मसाइल हैं, कॉलेज की ज़रूरतें हैं, उसमें वो भी अपना रोल प्ले कर सके। दूसरा इसका ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक मोटिवेशन हो कि देखें ये लोग इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं और आज बड़ी आला पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो इसका बड़ा फ़ायदा हुआ। इस पर आपके मीडिया ने भी बड़ी प्रोजेक्शन दी और इस पर लेटर्स आए और काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा रिस्पॉन्स आया, और तमाम जो हमारे 215 कॉलेजेस हैं उन सब में ये कुछ कॉलेजेस रह गए, बाकी सब में ये इस्टेब्लिश हो गई हैं। सही। इसके अलावा हमने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो आप यकीन करें कि कॉलेज की तारीख में, हायर एजुकेशन की तारीख में वो पहला एक इनिशिएटिव है। वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉग्निटिव स्किल्स को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जनरली ये होता है कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स को एक एक सिलेबस के साथ जो एक प्रेस्क्राइब्ड उनका होता है निसाब, वो पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके अलावा उनकी जो दूसरी स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, उनकी उनकी स्पोकन स्किल्स हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स है, और उनकी रीडिंग स्किल्स हैं, इनके हवाले से कोई कोई अलहदा से कोई सिस्टम वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो हमने इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया, जिसका नाम रखा हमने ग्रुप डिस्कशन एंड क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है। और ये टारगेट करेगी स्टूडेंट्स को, यानी वो एक टॉपिक पे तैयारी भी करेंगे और डिस्कशन किया करेंगे। राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, यानी कि अगर उनको कोई एक अनसीन टॉपिक दिया जाए तो उस पर वो क्रिएटिव राइटिंग प्रोड्यूस कर सकें। ठीक। नॉर्मली जब कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से फारिग हो के वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर सकें, उनकी उनकी जो इंग्लिश ऐसे राइटिंग है उसमें वो उनकी महारत नहीं होती, जिसके लिए फिर वो किसी एकेडमी में चले जाते हैं। ऐसे ही है, ये सारा का सारा मसाइल हैं, कॉन्फिडेंस जो है वो उस तरीके और से एग्जैक्टली इससे जो उनको सबसे बड़ा फायदा होना है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, इम्पावरमेंट आएगी, बोलना आएगा। हाँ। बोलना भी आएगा, लिखना भी आएगा। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि हमारे स्टूडेंट्स बुक रीडिंग से थोड़े दूर हो गए हैं। जी। इसमें ये भी शामिल है कि जब उनको टॉपिक दिया जाएगा कि आप आएँ और ग्रुप डिस्कशन में अपने आप को अपने टॉपिक पे बात करें, तो नेचुरली उसके लिए वो कंसल्ट करेंगे, वो लाइब्रेरी को भी कंसल्ट करेंगे, वो नेट पे भी बुक रीडिंग करेंगे, मटेरियल तलाश करेंगे, तो इनडायरेक्टली वो बुक रीडिंग की तरफ भी माइल हो जाएंगे। तो ये हमारे बड़े माइलस्टोन हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, हमारा एक क्लीन ग्रीन और हाइजीन का एक हमने इनिशिएटिव लिया है। सही। कि हमारे तमाम कॉलेजेस के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो ग्रीन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो, क्लीनलीनेस का पूरा एक मैकेनिज्म डिवाइस करके कॉलेजेस को दे दिया है कि आपने तमाम क्लासरूम्स हैं, आपके पैसेजेस हैं, आपके वॉशरूम्स हैं, उनके SOPs बना के दिए हैं कि जी इनको साफ कैसे रखना है। अच्छा, उसके साथ साथ इसमें जो खास बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको हमने इसमें हाइजीन एम्बेसडर के तौर पे डाला है, यानी उसको हाइजीन क्लब बना दिया है, और वो तमाम कॉलेज की हाइजीन के लिए दे वुड बी इन्वॉल्व, और उसमें असाज़ा जो है उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक हमारा इनिशिएटिव है। फिर इसके बाद अभी रिसेंटली हमने जो आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ का जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं या इंटरमीडिएट या मैट्रिक के सर्टिफिकेट जारी होते हैं, जब वो किसी जॉब में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअली उनको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो वो पहले मैनुअल होती थी, वो जाते थे बोर्ड में और वेरिफिकेशन करवाते थे, अब हमने उसको ऑनलाइन कर दिया। सही। और इसको हमने लॉन्च कर दिया है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि एक हमारा जो वेब एप्लीकेशन, उसी पे जाएंगे, उस पर अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ वो अपने चलान फी जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो बैंक में जमा करवाएंगे और उनको विद इन 2 या 3 डेज उसकी जो है वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट
वो मिल जाएगी, बोर्ड से उनके घर बैठे मिल जाएगी। सही। और किसी इदारे ने करवाना होगा उस इदारे को भी उनकी उस पोर्टल पे वो जाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स उनके स्कैन करके लगाएंगे, यानी किसी को फिजिकली बोर्ड में जाने की अब जरूरत नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है चीज़ों को आसान किया जा रहा है, जिस तरह ऑनलाइन हम बताते हैं टेक्नोलॉजी में जिस तरह जिद्दत आती जा रही है उस तरह चीज़ें सिस्टम में भी जो है वो बेहतरी लाई जा रही है। अजय वजीद भी आपसे जानते हैं, वसीम से जानते हैं। वसीम, मुहर्रम का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, उसके हवाले से काफ़ी इंतजामात भी किए जा रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा हमें। देखिए, ओवरऑल अगर बात करते चलें तो चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने जो है वो कल परसों एक मीटिंग भी ली है, जिसके अंदर इस तमाम बातों को इंश्योर जो है वो कराया गया, जिसमें कमिश्नर तमाम और डिप्टी कमिश्नर उस तमाम लोग जो हैं वो शामिल हाल थे। मुल्तान में अगर छोटी बड़ी मजालिस की बात करते चलें तो उनकी भी खासा तादाद है, जिसके अंदर ABC के हिसाब से जो है वो कैटेगरीज किया हुआ है। और मुल्तान में ही उस्ताद और शागिर्द का जो ताज़िया है वो ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि बर सग़ीर में अगर हम बात करते चलें तो इन दो ताज़ियों को जो है वो सबसे क़दामत जो है वो समझा जाता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मुहर्रम में सिक्योरिटी जो है वो सबसे अहम है, तो उस सिलसिले में इंतज़ामिया अपना किरदार जो है वो अदा कर रही है। हमारे होम सेक्रेटरी हैं, एडिशनल होम सेक्रेटरी, वो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है वो देख रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर कमिश्नर और DCs की बात करते चलें तो वो भी इस हवाले से काफ़ी हद तक अपना काम जो है वो कर रहे हैं। एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसकी मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, ताकि किसी किस्म का कोई जो है नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश ना आए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर यकम मुहर्रम से ही आगाज़ हो गया था, मजालिस का भी आगाज़ हो गया है, मातमदारी का भी आगाज़ हो गया है, और ये सिलसिला इसी तरीके से यौम आशूर तक जो है वो जारी रहेगा। और शहर में अगर शोबी सरगर्मियों की बात करते चलें तो वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दी गई हैं, जिनमें मुल्तान के तमाम सैनमाज, तमाम थिएटर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जो यौम आशूर के बाद जो है वो हिस्सा होंगे। और इसी तरह अगर मुहर्रम की बात करते चलें जुलूसों की, मजालिस की, तो उसके अंदर ख़ास अहमियत की हामिल होती है कि जो ज़ाकिरीन हैं, जो खुतबात कर रहे हैं, उनका जो है वो एंगल क्या देखा जा रहा है। तो उसके अलावा जो है वो किसी किस्म की कोई ऐसी बात जो है वो ना हो जिससे किसी की दिलाज़ारी वगैरह हो, तो उसके ऊपर भी मुकम्मल चेक एंड बैलेंस जो है वो किया जा रहा है। बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हमांगी की बात करते चलें तो मुख्तलिफ किस्म से, मसालिक से, मुख्तलिफ तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो मुहर्रमुल हराम में हुसैनिया अमन वॉक का जो अहतमाम है वो भी करते हैं, जिसके अंदर तमाम मकातिब और तमाम मजाहिब के लोग जो है वो शरीक होते हैं। क्योंकि दूसरे अगर लोगों की बात करते चलें तो उनके त्यौहारों के अंदर जिस तरह मुसलमान शरीक होते हैं, इसी तरह जो हमारे मुल्तान की हिंदू कम्यूनिटी है, क्रिश्चन कम्यूनिटी है, तो वो लोग भी इसका पार्ट बनते हैं, ताकि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का जो पैगाम है वो दुनिया को दिया जा सके, और इसके साथ साथ एक सॉफ्ट इमेज जो है वो सामने आ सके। तो इसी हवाले से बेहतरीन इकदामात अभी तक तो जा रहे हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह कि ये मुहर्रम जो है वो अकीदत व एहतराम के साथ जो है वो पूरा गुजरेगा इंशाल्लाह जी। और इसमें सबसे गुजारिश भी है कि तमाम लोगों से इस, क्योंकि हम फ़िरका वारियत में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो हुसैन है वो सबके ही हैं, किसी एक ख़ास फ़िरके के लिए नहीं है। तो लिहाजा जो अमन है उसको कायम रहना चाहिए, और प्यार मोहब्बत के साथ और एहतराम के साथ तमाम लोग जो हैं वो इसको इस महीने को गुजारें। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करें मौसम के हवाले से, तो मौसम इस टाइम जो है वो काफ़ी चेंज है। हम देख रहे हैं कि मौसम जो है मानसून का चल रहा है, बारिशें हो रही हैं। अच्छा, कई इलाकों में जो है वो बहुत तेज़ बारिश है, और कहीं बारिश का नामो निशान भी नहीं है। बादल छाए हुए हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, क्योंकि हब्स की वजह से बहुत ज़्यादा जो है गर्मी का फील ज़्यादा है। तो अभी मौसम की जिस तरह बात हो रही है वो वसीम से भी जानेंगे, लेकिन अभी अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज़ वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी, आसमां शहरे ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता कल की तरह मुल्तान का मौसम आज भी काफ़ी ज़्यादा सोना और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मुल्तान का मौसम आज हल्की हवा चलने से खुशगवार भी है, और गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी भी देखने को आ रही है। बारिश के बाद मुल्तान का मौसम काफ़ी ज़्यादा खुल गया और कदरे बेहतर हो गया। बढ़ती हुई गर्मी जो थी उसमें भी नुमाया कमी देखने को आई है। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। बारिश जिस दिन से हुई है मुल्तान में,
उस दिन से लेके अब तक मुल्तान शहर का मौसम काफी ज्यादा खुशगवार तो है, लेकिन हवा ना चलने की वजह से आज अलल सुबह से ही हब्स की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। हब्स की वजह से गर्मी की शिद्दत भी काफी ज्यादा महसूस हो रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज शाम में भी गरज चमक के साथ कहीं हल्की और मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कदरे बेहतर हो गया है, जो कि आज 110 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। कल भी देखें तो कल भी एयर क्वालिटी इंडेक्स कदरे बेहतर था। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को अगर देखें तो आज मुल्तान 10वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। हवा में नमी का तनासुब भी कदरे बेहतर है, कल भी काफ़ी बेहतर था, आज भी 82% तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने की वजह से और हवा ना चलने की वजह से हब्स हो जाती है, और हब्स की वजह से गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया इजाफा हो जाता है। आज भी हल्की हल्की हवा तो अलल सुबह से चल रही थी, लेकिन इस वक्त हवा ना चलने की वजह से गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि आइंदा 2 से 3 रोज तक मुल्तान शहर का मौसम इसी तरह से अबर आलूद रहेगा और कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका हसन मलिक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कई इलाकों में बारिश जो है वो बहुत तेज़ है, अच्छा सैलाब के हवाले से लाजमी बात करेंगे क्योंकि सैलाब का भी खर्चा है, पानी का बहाव जैसे मैंने कल भी बात की थी कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, उस हवाले से क्या सूरत हाल चल रही है वसीम, उस हवाले से भी बताइए। तमाम इफेक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, और अभी रिसेंटली अगर इससे प्रीवियस भी हमने देखें तो हमने क्लाइमेट चेंज के बाईस सैलाब को भुगता था। आज जिस तरीके से इलीगल सोसाइटीज़ जो हैं वो बनाई गई, जिस तरीके से दरख्तों का कटाव किया गया, तो आपने देखा कि मुल्तान के जो दर्जा हरारत है उसके अंदर बदतरी जो हमने इजाफा जो है वो देखा। क्योंकि अगर मास्टर प्लान की बात करते हैं जो 2028 तक का मौजूद है, उसके मुताबिक जो है वो इस तरीके से इतनी ज़्यादा कॉलोनीज़ जो हैं वो मुल्तान में नहीं बन सकती। अब इनको किसने परमिशन दी और ये किस तरीके से जो है वो इस तरह ह्यूज लेवल पर जो है चीज़ें फैली। कल भी जो है वो कैसर सलीम साहब से इस सिलसिले में जब बात हुई जो हाउसिंग के सेक्रेटरी हैं, तो उनका यही कहना है कि 200 से ज़ायद हमने इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर जो है वो FIR दर्ज की है, तो हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी आम की पैदावार के अंदर जो है वो इस तनासुब से कमी जो है वो रोनुमा हुई, उसी तरह अगर माहौल की बात कर लेते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट भी किसी हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। और अब दुनिया जो है वो इस साइड पर जा रही है कि ग्रीनरी का जो है वो इजाफा किया जाए, और इस सिलसिले में स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो मियावाकी स्टाइल के अंदर जो है वो जंगलात लगाए जा रहे हैं ताकि हम किसी तरीके से इन्वायरमेंट जो है उसको जो है वो बेहतर कर सकें। तो इसी तनासुब के अंदर अगर देखते चलें इस वक्त की जो एक्चुअल पोजिशन है उसमें दरियाए सतलुज जो है उससे और गिरदोनवा के जो इलाके हैं वो उससे ज़्यादा इफेक्ट होने का खदशा है, और अगर सतलुज की बात करते चलें सतलुज के पुल की तो वो भी इस वक्त तक जो है वो ऑलमोस्ट पानी का वहाँ पे बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से फसलें जो हैं वो तबाह होने का जो है वो इस इलाके के अंदर खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। होप सो कमिंग डेज के अंदर इंतज़ामिया ने अपनी पूरी रेस्क्यू टीमें जो हैं वो वहाँ पर अलाट की हुई हैं, और इसके साथ साथ अलखिदमत फाउंडेशन जो है वो भी अपने तमाम तर लोगों को लेकर वहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी किस्म का जो नाखुशगवार वाकया है वो रोनुमा ना हो। लेकिन इस तमाम तर अवामिल के पीछे जो है वो हमें क्लाइमेट के ऊपर ख़ास सोचने की ज़रूरत है, और इसी तनासुब में अगर बात करते चलें सर खुद भी जो है वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अब हमारे कॉलेजेस के अंदर जो है वो जंगलात लगाए जा रहे हैं मियावाकी स्टाइल में, ग्रीनरी का जो इजाफा है वो किया जा रहा है ताकि हम क्लाइमेट जो है उसको काबू पा सकें। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ मजीद भी आपसे जानते हैं सर, जिस तरह हम अभी माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए भी हैं, जिस तरह कॉलेज में अभी वसीम भी जिक्र कर रहे हैं कि ग्रीनरी जो है वो लगाई जा रही है और उसको मजीद बेहतर किया जा रहा है ताकि जो है माहौल बेहतर हो सके, इसमें आप लोग जो है वो क्या एकदम आते कह रहे हैं? देखिए मेरा तो ये पैशन है जी प्लांटेशन, मैक्सिमम प्लांटेशन, और मेरे पास इसका एक रिकॉर्ड अभी भी है कि मैंने 5 घंटे में 2 लाख पौधा एक डिस्ट्रिक्ट में लगवाया था, और वो रिकॉर्ड मेरा अभी कायम है। जहाँ तक कॉलेजेस की बात है तो तमाम कॉलेजेस के अंदर हमने मायाविकी के लिए मायाविकी प्लांटेशन के लिए जगह हमने कुछ स्पेसेस एलोकेट किए, तमाम कॉलेजेस से कहा है कि वो मिनिमम एक कनाल उससे ज़्यादा जितना भी एरिया हो सकता है वो एलोकेट करें, और उन्होंने वो सारा का सारा एरिया एलोकेट करके वहाँ पे प्लानिंग शुरू कर दी और प्लांटेशन स्टार्ट भी हो गई है।
तो 215 कॉलेजेस के अंदर हम ये सारी प्लांटेशन करवा रहे हैं और हमारा टारगेट ये है कि 5 लाख पौधा हम तमाम कॉलेजेस में लगाएं। तो इसके लिए काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम रिक्वेस्ट की कि आप हमें पौधे दें, मैक्सिमम वो पौधे भी हमें मिल गए हैं, तो इस पर अब काम शुरू हो गए। तो जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की बात है तो यूनिवर्सिटीज़ को भी इसी हवाले से इसी एम्बिट में लिया गया और यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा प्लांटेशन कर रही हैं। मैं तमाम कॉलेजेस, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का खुद विज़िट कर रहा हूँ और कल भी मैंने एक जगह प्लांटेशन का इफ्तिताह किया। तो इस हवाले से मेरा तो ये पैशन है कि जी जो भी जगह हमें मिले उस जगह पे पौधे लगा दिए जाएं, कोई जगह खाली ना रहे। सही। उससे ही हमारा इन्वायरमेंट बेहतर होगा, उससे ही हमारे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट जो हैं उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो बाकी जो ओवरऑल मैं बात करूं अगर तो पंजाब में सबसे ज़्यादा अगर कमी है प्लांटेशन की तो साउथ पंजाब में है। साउथ पंजाब रीजन को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी बता रहे थे वेदर के बारे में, तो अगर मैं बात करूं वेदर की कंडीशन की तो अगर यही टेम्परेचर लाहौर में होता है तो लाहौर में इतना फील नहीं हो रहा होता, बट मुल्तान में बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है। लाहौर में प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, प्लांटेशन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो इसलिए जहाँ पे भी जगह मिलती है पब्लिक को भी चाहिए इसमें पार्टिसिपेट करें। अपने घर के सामने, गली में, मोहल्ले में, जिधर भी जगह मिलती है हमें पौधे लगाने चाहिए। अच्छा, वो यही है ना कि जिस तरह आप लाहौर की जिक्र करें, यहाँ पर भी दरख्त तो बहुत ज्यादा थे, जितनी तेजी से उनको काटा गया तो जाहिर सी बात है कि एकदम जो है वो मुल्तान का मौसम तो वैसे ही गर्मी की वजह से मशहूर तो था ही था, अब ज्यादा हो गया। और मुल्तान की तो बल्कि खासियत ये थी ना कि दुनिया भर में मशहूर है मैंगो के लिए, और जो है और एक मैंगो का जो दरख्त है वो बहुत ज्यादा शेडो होता है, उसका साया बहुत बड़ा होता है, काफी फैला हुआ होता है। इसी तरह बाकी जो प्लांट्स हैं, ख़ास तौर पे एक कुछ अर्से से ट्रेंड चल पड़ा था जी कोना होता है पौधा, वो लगाया जा रहा था, उसको हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, डिस्करेज कर रहे हैं कि वो कहीं नहीं लगेगा। अच्छा, स्वेदा भी पानी ज़्यादा लेता है, इसके बारे में भी ये रिपोर्ट है, उसको भी हम डिस्करेज कर रहे हैं। तो मुल्तान में जहाँ भी जगह मिलती है, जो भी बात कर रहे थे शहजाद साहब, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि यहाँ के ऑर्चर्ड जितने काटे गए हैं इस अंदाज से उनको ख़त्म किया जा रहा है, इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट्स जो मुल्तान के इन्वायरमेंट पे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह हम बीजेडीयू की बात करें तो वसीम आज फायदे की तरफ बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसे ही है ना, बिल्कुल पुराने लगे हुए हैं। हाँ, पुराने लगे हुए हैं अभी तक जो है उनको, बड़ा दरख्त हो ना वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ही हैं जहाँ से आपको गुजरते हुए कोई ताज़ा हवा का झोंका मिल जाता है, वरना तो अगर आप शहर का विजिट करें तो आपको गर्मी की थपेड़े जो हैं वो आपका इस्तकबाल करती हैं। आप किसी भी कॉलेज के करीब से गुजरते हैं या यूनिवर्सिटी के पास से गुजरते हैं तो आपको ठंडी हवा महसूस होती है। अच्छा, यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ अब प्राइवेट जो है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बना दी गई है, इसमें भी मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटन में आपको खुश आमदी कहते हैं। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ गुफ्तगू भी हमारी चल रही है, लेकिन चाय भी हमारी ज़िंदगी का, मैं समझती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो चाय लवर्स हैं जिस तरह के मैं हूँ। और चाय जो है, चाय के साथ साथ जो अगर आपके साथ ज़ीरा प्लस हो तो क्या ही बात है, ज़ीरा प्लस के बगैर जो है वो चाय बड़ी अधूरी सी लगती है। जब भी आप चाय पीने लगें तो उसके साथ आपके साथ ज़ीरा प्लस हो तो उसका मज़ा ही दोबारा हो जाता है। और फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके जायके की, तो बहुत ही खस्ता और बहुत ही उम्दा है, जो किसी और बिस्किट में आपको नज़र नहीं आएगा। जब भी आपके गेस्ट आएँ, जब आपके मेहमान, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जो है साथ साथ आपके प्यारे आपके साथ मौजूद हों, तो ज़ीरा प्लस जो है वो आपकी लाजमी उसको बढ़ा देता है, मज़ेदार बना देता है बल्कि आपकी चाय के साथ साथ। और इस तरह जो है वो आपकी गुफ्तगू भी ख़त्म नहीं होती, आपकी गुफ्तगू भी चलती रहती है, साथ साथ ज़ीरा प्लस भी चलता रहता है और चाय तो फिर साथ साथ चलती रहती है। अच्छा जी, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, वैसे चाय के साथ आप जो है ज़ीरा प्लस इन्जॉय करते हैं? जी डेफिनेटली, जब आप ज़ीरा प्लस खा रही थी तो मैं सोच रहा था कि काश मेरे हाथ में भी आ जाता। मैं आपको अभी पेश कर रही हूं। इसी तरह जो है नाज़रीन से मुखातिब होकर कह देता है कि जी क्या मजेदार है।
वो मुझे लगता है मेरी पहुंच से दूर चले गए ये गलती होगी है कि वहां उनकी टेबल पे भी मौजूद होना चाहिए सही है सर, मजाक आप बहुत अच्छा करते हैं मैं तो थोड़ा देर से देख रहा हूँ कि काश इनमें भी जान पड़ जाए अच्छा ये इसको हमने फील नहीं करना है, मजाक कर रहे वसीम तो फिर खैर एंजॉय करता ही रहता है जीरा प्लस मेरी टेबल पे भी खैर मौजूद होना चाहिए सही है, खाना पड़ेगा। अच्छा जी अभी हम क्योंकि इनको सर्व करेंगे क्योंकि ये भी जो है वो हमारे साथ गेस्ट ऐसे जा नहीं सकते ना, आपको लाजमी आप जीरा प्लस और चाय आपको पेश की जाएगी, चाय तो वैसे सर आपके साथ मौजूद है, जीरा प्लस की जीरा प्लस का उसका तो फिर अपना ही मजा है बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर हायर एजुकेशन के हवाले से ये भी बात कर लेते हैं कि जिस तरह हम एक ये देखते हैं कि आजकल स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान भी जो है वो बड़ा गैप आ चुका हुआ है। अच्छा होता है कि अब आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाएं तो जस्ट लेक्चर दिया एंड दैट्स इट, और उसके बाद आपने नेक्स्ट आप जो है उसमें क्लास में चले जाते हैं अपना लेक्चर देने के लिए। अगर हम बात कर दें कि उस तरीके से हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो जो उनकी कारकर्दगी है उस तरीके से नजर नहीं आ रही, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इस गैप को कैसे खत्म किया जा सकता है? मिसिंग लिंक पे हमने बहुत गौर किया है कि इस गैप को कैसे फिल किया जाए। ट्रेडिशनली हमारे असाज़ा एक जो ट्रेडिशन वे है कि जी वो पढ़ा रहे हैं बस आते हैं कैजुअल अंदाज में वो लेक्चर दे के चले जाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ उनकी उस तरह का इंटर जो लिंकेज है वो क्रिएट नहीं होता और इसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं है, माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे असातिज़ा बहुत अच्छी कम्युनिकेशन भी होती है, अच्छे स्टूडेंट्स आप देखें ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हमारे दौरों से निकलते हैं। इसके लिए हमने एक प्लान ये बनाया है कि हम कुछ स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए, उसमें हम इंटरेक्टिव पैनल्स लगाने जा रहे हैं कुछ कॉलेजेस में, हमने लगा भी लिए हैं, जहाँ आप थ्योरी जब पढ़ा रहे हैं तो थ्योरी के साथ साथ आपका पीछे आपकी सिमुलेशन एक्सरसाइज भी चले, प्रैक्टिकल भी आपका साथ चले। उससे फायदा ये होगा कि एक तो स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, दूसरी बात यह कि जो उनका एक लिंकेज है उस्ताद के साथ वो ज्यादा वो भी अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारा अगला प्लान ये है कि हम अपने क्लासरूम्स में कुछ क्लासरूम्स जो हैं उनको हम हाइब्रिड क्लासरूम्स बनाएं और उनके जो जो लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग किया करें, उनकी एक डिजिटल आर्काइव बनाएं, डिजिटल लाइब्रेरी बनाएं। उसका फायदा भी यही होगा कि जब आप एक टीचर को पता है कि मेरा लेक्चर रिकॉर्ड होना है, स्टूडेंट्स को पता है कि मैंने जो क्वेश्चनिंग करनी है उसकी भी रिकॉर्डिंग होनी है, तो नेचुरली वो उनकी अच्छी तैयारी भी होनी है और वो अच्छे अंदाज से एक दूसरे के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन भी होगी। तो ये हमारा अगला प्लान है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह इसका बड़ा फायदा होगा। और जो जो प्रोग्राम अभी हमने कॉलेजेस को दे दिया है वो भी इनके दरमियान एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करेगा, और साथ ही साथ हम बुक रिव्यू की तरफ भी जा रहे हैं। सही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी जब तक स्टूडेंट्स और असातिज़ा के आपस में अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक ये सारे प्रोग्राम चल नहीं सकते, लिहाजा ये इससे इंशाल्लाह बहुत फायदे होने वाले हैं। अच्छा सर, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि हम लोग देखते हैं कि अब प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी उस तरीके से बन रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम एक फ़र्क देखते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके साथ फिर अगर हम सरकारी में बात करें, आप क्या कहेंगे कि फ़र्क कब कैसे ख़त्म किया जा सकता है, मतलब इसमें मज़ीद कितनी बेहतरी लाई जा सकती है? मैं आपसे पार्शली एग्री करूँगा, हमारे इदारों में नो डाउट बहुत अच्छा स्टैंडर्ड एजुकेशन का। प्राइवेट इदारों में ये होता है कि उनका एक अपना प्रोग्राम होता है, उन्होंने वो एक बिज़नेस ओरिएंटेड उनका एक वेंचर होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ पे बिजनेस नहीं होता, गवर्नमेंट के इदारों में सर्विस डिलीवरी होती है। तो सर्विस डिलीवरी जो है वो उसका जो लेवल होता है वो भी बड़ा वास्ट होता है। एक प्राइवेट कॉलेज है उसका एक बड़ा लिमिटेड सा एक सिनारी होता है, लिमिटेड से उनकी उनकी स्ट्रेंथ होती है, स्टूडेंट्स होते हैं वो उस पर फोकस करते हैं तो शायद उससे रिजल्ट अच्छे नज़र आते हैं। हमारे जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, आप देखिए कॉलेज है यूनिवर्सिटी है, हाँ, तो उनका उनका जो है वो कैनवस उनका कैनवस आप सर्विस डिलीवरी बहुत ब्रॉड होता है, तो नेचुरली उसमें हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, कुछ उसमें मीडियोकर होते हैं, तो हर तरह के स्टूडेंट्स को वो कैटर करते हैं।
प्राइवेट कॉलेजेस में तो वो मेरा ख्याल एडमिशन ही अच्छे लोगों को दिया जाता है या अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं तो इससे वो शायद रिजल्ट बेहतर आ जाता है, लेकिन वहाँ तो हर तरह के स्टूडेंट्स को हमने लेके चलना होता है। और ये जो अभी मैंने आपसे शेयर किया है तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है और मज़ीद इंशाल्लाह इससे जो हमारे स्टूडेंट्स निकलेंगे पास आउट्स आएंगे वो बड़ा बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे सोसाइटी में। सही। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं यहाँ पे सेक्रेटरीट बना दिया गया, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि असाज़ा के भी अपने भी बड़े मसाइल होते हैं, जब हम देखते हैं असाज़ा के अपने इश्यूज आ जाते हैं वो अपने इश्यूज लेकर हमारे पास आते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि असाज़ा के क्या इश्यूज हैं इस टाइम, आप उनको मतलब कैसे देखते हैं? देखिए असाज़ा के अगर मैं आपकी बात को सही पिक कर रहा हूँ तो एक तो उनके मसाइल जो हैं पर्सनल हो सकते हैं, सर्विस मैटर्स हो सकते हैं, किसी इदारे में उनके मसाइल हैं, कोई काम है, सेक्रेटेरिएट में काम है तो वो वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही, एक तो ये हो सकता है। दूसरा जो है वो उनके इंटरपर्सनल इश्यूज हो सकते हैं आपस में साथ के। अब पहली चीज़ जो ये है कि मैंने सेक्रेटेरिएट के अंदर असातिज़ा के लिए एक डेडिकेटेड विजिटर रूम बनाया है, एग्जेक्टिव लॉन्च बनाया है कि जो उस्ताद सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी को मिलने आए या किसी काम के सिलसिले में आए ही विल सिट इन द विजिटर रूम, प्रॉपर में एयर कंडीशन रूम होगा, पानी भी है वहाँ पे, चाय भी इनको सर्व की जाएगी, ऑनर के साथ वहाँ पे बैठेंगे। और ये प्रैक्टिकली मैंने 2 माह से शुरू किया हुआ है और इस पर अमल भी हो रहा है, तो इससे ये होगा। और दूसरी बात ये है कि कॉलेज में जो सेक्रेटेरिएट के अंदर सर्विस डिलीवरी की बात है, मेरा ख्याल है मेरी टेबल पे कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब कोई पेंडेंसी रह गई हो, कोई एक भी केस अगर मेरे पास आज आया है तो मेरे जाने से पहले वो सारे केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, सीएन दे देते हैं। और हमने तमाम कॉलेजेस में, मैं खुद जब जाता हूँ इंटरेक्ट करता हूँ कॉलेजेस में, मैं उनको ऑफर करता हूँ कि जी आपका कोई मसला अगर किसी स्टेज पे आप फील करते हैं, कोई एहलकार कोई अफीसर आपको तंग करता है तो डायरेक्टली आप मेरे पास आ सकते हैं, हमारे दरवाजे ओपन हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अभी मैं आपको आज की बात बताता हूँ कि आज हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है T with HED। अच्छा, T with HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये उनके लिए किया है कि जो हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं प्रिंसिपल्स हैं हमने उनको ऑनर देने के लिए ये प्रोग्राम बनाया है। और आज अराउंड 50 टीचर्स या 50 प्रिंसिपल जो रिटायर्ड हो चुके हैं पिछले 2 साल में, बाबलपुर में आज उनकी गैदरिंग हो रही है, उनको सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं, उनको चाय भी पिलाई जा रही है, उनको ऑनर और डिग्निटी के साथ वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं ताकि वो फील करें कि महकमा उनको ओन भी करता है और महकमा जो है वो समझता है कि ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें साजा के लिए हैं, साजा का जो एक खास मकाम है उसको डिग्निफाई करने के लिए। सही, चलिए तो अच्छी बात है ताकि वो भी अच्छा फील करें ना, क्योंकि उनको भी जब रिटायर हो जाते हैं ना वो भी बड़ा कभी उनके भी बहुत सारे मसाइल नज़र आ जाते हैं ना। ऐसे ही वसीम वसीम आपसे बात करेंगे लाजमी, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदी कहते हैं। जी वसीम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, हम कंपैरिजन की बात कर रहे थे कि सरकारी अगर हम कॉलेजेस की बात करते चलें और इसके साथ साथ प्राइवेट की बात करते चलें तो इस तनासुब को जो है वो कम करने के लिए यकसा निसाब तालीम जो है वो बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें स्कूल्स और का जो सिलेबस है उसको मुकम्मल तौर पर यकसा जो है वो करने की कोशिश की गई। तो अब ज़ाहिरी बात है जब आप एक इस तरह का काम कर रहे हैं कि जहाँ पर जो है वो बच्चे लाखों रुपए पे कर रहे हैं और दूसरी जगह पे आपके सरकारी जो इदारे हैं वहाँ पर बच्चों की फीसेज ना होने के बराबर होती है, तो ज़ाहिरी बात है वो एक पूरी फर्म है, उनसे ये चीज़ें हजम नहीं होती। क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो खुद इसका पार्ट रहे कि यकसा निसाब तालीम के ऊपर जो है वो काम किया जाए, जब भी काम करने की बात होती थी तो पूरी एक लहर जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की जानिब से जो है वो गामजन हो जाती थी और अभी तक जो है वो उस मायने में उसके ऊपर काम जो है वो नहीं हो सका। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा डिसीजन जो है वो हुकूमतों को खुद लेना होगा उसके बाद, क्योंकि जब ज़ाहिरी बात है जो उसका पार्ट रहे यकसा निसाब तालीम को बनाने के उनको भी मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स हैं अब वो दी गई ताकि निसाब जो है वो हमारा बिल्कुल सेम ना हो सके।
और अभी तक उसके ऊपर इस्लामाबाद में काम जो है वो चल रहा है, और होप्स हो कि हमारी जो कमिंग डेज के अंदर हम देखेंगे कि हो सकता है कि हम इसको फुलफिल करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का जो लेवल है वो किसी हद तक जो है वो सेम हो जाएगा। लेकिन जिस दौर में हमने तालीम हासिल की तो उस वक्त का सिनेरियो बड़ा मुख्तलिफ था। अब जिस तरह डिजिटल क्लासरूम, हाइजीन क्लब और वॉल ऑफ प्राइड और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सर के होते हुए सामने आ रही हैं, तो उससे एक अपनाइत का एहसास होता है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जितना अर्सा मैंने काम किया है, जो टैलेंटेड भी हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान में मकाम जो है वो उस वक्त मिलता है जब वो दुनिया में नहीं रहते। उसके बाद हम कहते हैं यार ये बहुत कमाल इंसान थे। तो जिंदगी में आप अगर किसी को जो है वो उस लेवल पर अप्रिशिएट नहीं करते और मरने के बाद आपको उसके कार हाय नुमाया जो है वो सामने आते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये बहुत अहम इंसान थे। कहते हैं ना, वैसे भी जीते जी तो आपकी कदर हो रही है, मरने के बाद आपको फिर आपको लेजेंड का नाम दे दिया जाएगा। उन चीजों को जो है वो मेरे ख्याल से इतना जो है वो कोई फायदा नहीं है। अब कॉलेज लेवल पे जिस तरह सर ने आगाज किया है तो जाहिरी बात एक अपनाइयत का एहसास होता है, और वो लोग जो हैं चाहे जिस मर्जी स्टेटस पर पहुंच जाएं लेकिन वो एक बार खुद चाहेंगे कि अपनी पिक्चर को जो है वो आके देखें कॉलेजेस के अंदर। एक बड़ी पॉजिटिव होती है ना, आपने जहाँ इतना टाइम गुजारा हो, जहाँ आपने पढ़ाया हो, जहाँ आपकी इतनी यादें वाबस्ता होती हैं, तो जाहिर सी बात है आप जब उनको अप्रिशिएट करते हैं तो इस लेवल पर जाकर तो वो जाहिर बात एक खुशी भी होती है। हमें जो है वो जिंदगी के धक्के शायद लग लग के हम यहाँ तक आ गए, वरना तो हमारा कोई प्लान नहीं था। हमें ये नहीं पता था कि हमने आगे जाके करना क्या है, हमें प्रॉपर काउंसलिंग इस हवाले से की गई। सर आपसे लाजमी बात करूंगी, जो हमारी एक यहाँ पे बहुत बड़ा इशू जो हम देखते हैं, हमारे स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज नज़र आते हैं कि एक्चुअली उन्होंने अपनी लाइफ में करना क्या है, क्योंकि हमने डिग्रीज तो ले ली हैं, उसके बाद हमें स्किल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, हमारे पे कोई स्किल नहीं होती जिस पे हम जो कहें कि हाँ जी हमारा फ्यूचर के हवाले से। अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो ओवरऑल हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ लोग ये कोशिश करते हैं कि यार यहाँ पे उस लेवल की पढ़ाई नहीं है या उस तरह का हमें यहाँ पर फैसिलिटीज़ मेयार नहीं है, हमें लाहौर जाना पड़ेगा, हमें इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, या हम कराची जाएंगे तो वहाँ पर बड़ी यूनिवर्सिटी में लैब्स भी हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, आपको वहाँ जाके जो है बहुत आपकी डिग्री की मायने रखती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप क्या विजन रखते हैं, हमारे जनूबी पंजाब में इस तरह की महरूमियाँ क्यों हैं? देखिए, इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप करियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, करियर काउंसलिंग तो उस हवाले से, करियर काउंसलिंग स्टार्ट होती है आपकी सेकेंडरी लेवल से। जब सेकेंडरी में स्टूडेंट आता है तो एट दैट टाइम ही डिसाइड्स कि मैंने किस जगह कौन से प्रोफेशन में आगे जाना है, और ये डिपेंड करता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, कि वो उसने अर्निंग हैंड बनना है अपने वालदेन के लिए, ब्रेड विनर बनना है, या उसने आगे हायर एजुकेशन में जाना है, या उसने टेक्निकल एजुकेशन में जाना है, जो भी करना है उस स्टेज पे ये डिसाइड होता है। तो हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट उतना इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि आपने कहा साउथ पंजाब में टैलेंट नहीं है, मेरा ख्याल है साउथ पंजाब में बहुत टैलेंट है। नहीं सर, टैलेंट की तो मैंने बात की, टैलेंट पसमानगी की बात कर रही है। तो देखें, जिस स्टूडेंट के माली हालात इतने अच्छे ना हों तो वो बेशक सोच ले कि जी मैंने जाना है अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे सर, एक आपकी बात को काट रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एक ये शिकायत भी है कि यहाँ पर जो कॉलेजेस थे, जो एक आम बच्चा या बच्ची जो है वो तालीम हासिल कर रहे थे बहुत ही कम उसमें, लेकिन उनको कन्वर्ट कर दिया गया यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब जिनके अच्छे खासे जो है वहाँ पर खर्चा भी है, आपके इम्तिहानात के हवाले से थीसिस आपके हो गए, आपके बहुत सारे, क्योंकि एक बच्चे के लिए वो तालीम हासिल करना बड़ा मुश्किल हो गया। जैसे हमारे यहाँ पे डिग्री कॉलेज था, वहाँ पे हर तरह की जो है वो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही थी, लेकिन अब वो यूनिवर्सिटी बना दी गई, अब हम देखते हैं उस तरह की उस लेवल की जो है वो तालीम कहीं और नहीं दी जा रही, या इतनी तादाद में किसी को नहीं एडमिशन्स मिलते। ये भी एक इशू है यहाँ पर कि कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील कर दिया जाना। पॉपुलेशन की ग्रोथ जिस अंदाज से हो रही है उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इदारों को एक्सपेंड करें। इसी हवाले से जो कॉलेजेस जहाँ पे ये प्रेशर ज़्यादा था कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो उसको फिर एलिवेट किया गया यूनिवर्सिटी में। जहाँ तक बात है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आना चाह रहे हैं लेकिन उनके लिए आगे कॉलेजेस में जगह नहीं है, मेरा ख्याल है जगह बहुत है। अभी भागलपुर में मैंने देखा था कि हमारे जो SC कॉलेज के साथ के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी यूनिवर्सिटी सारे स्टूडेंट्स ले लेती है, हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो पहले एडमिशन लेते हैं, फिर हमारे पास जो है वो सीटें पूरी नहीं होती,
यूनिवर्सिटी की भी सीटें पूरी नहीं होती, तो वो उनका कहना ये था कि हमारी सीटें पूरी नहीं होती इसलिए हम थोड़ा एडमिशन पहले खोलते हैं, कॉलेजेस जो हैं इनको बाद में अलाउ करते हैं। तो ये शो करता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स जितने हैं उतनी उनकी कैपेसिटी भी है उनका इंतजाम करने की। ख़ास तौर पर आप हैरान होंगी कि साउथ पंजाब की जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो साउथ का जो ओवरऑल डाटा है उसमें 53% फीमेल हैं और 47% आई थिंक जो है वो मेल हैं स्टूडेंट्स। तो फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है। तो ये शो करता है कि साउथ पंजाब में एजुकेशन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और इसी तरह कॉलेजेस जो है फीमेल के ज़्यादा हैं भालपुर में, भालपुर की मैं बात कर रहा हूँ, मुल्तान में भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हैं और इसी तरह बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं डीजी खान रीजन में देखें तो वहाँ भी ख़वातीन इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और तमाम कॉलेजेस के अंदर पास आउट्स जो रेशो है टॉपर की रेशो जो है वो बाकी पंजाब से भी ज़्यादा है। और आप हैरान होंगे कि जो हमारे पसमानदा तीन डिस्ट्रिक्ट हैं साउथ में उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो ये शो करता है कि एजुकेशन की इंटरेस्ट भी है और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं। अच्छा सर, इसके साथ साथ आप जो है ये भी आपसे बात करूंगी, साउथ पंजाब सेक्रेटरीट की तरफ से आपको कॉटन के हवाले से भी जो मॉनिटरिंग के हवाले से आपको काम दिया गया जिला लहिया में, तो उस हवाले से भी बताइएगा आपके क्या इकदाम हैं और किस तरह आप देख रहे हैं कॉटन को। दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बेसिकली इस पॉलिसी पे गामजन है कि हम अपनी कॉटन ग्रोथ को किस तरह बढ़ा सकते हैं और किसानों को इसका सही मुआवजा कैसे मिल सकता है। इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब ने खास तौर पे हिदायत की और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जो है उन्होंने नोटिफाई की हमें डिस्ट्रिक्ट्स दिए तमाम सेक्रेटरीज को, तो मुझे जिम्मेदारियाँ दी गई लहिया डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें जो मेन फैक्टर है वो ये है कि हमने ये इंश्योर करना है कि एक तो पेस्टिसाइड्स की अवेलेबिलिटी हो, क्वालिटी पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हो, फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो और वो जो नोटिफाइड गवर्नमेंट के रेट्स हैं उस पर अवेलेबल हो। सेकेंडली जो इनकी पेस्ट स्काउटिंग होती है यानी कि कीड़े की जो है वो जब किसी खास स्टेज पे किस स्टेज पे इनको कौन सा स्प्रे करना है, किस स्टेज पे कौन से कीड़े हैं उनको किस अंदाज से उनका तदारक करना है, ये भी पूरी एक पॉलिसी है और इस पॉलिसी की मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है और वो भी साथ साथ हम कर रहे हैं। मैंने जो विजिट्स किए हैं उसमें मैंने ये देखा है कि फिर किसानों के साथ बैठ के इंटरेक्शन किया है, किसानों के साथ बैठक की है, उनके मसाइल सुने हैं, तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि एक तो किसानों के मामलात में खाद का मामला है कि ज़्यादा कंप्लेंट्स है कि जी खाद शायद हमें हायर रेट्स पे कुछ देते हैं, तो उसका तदारक किया गया फौरी तौर पे। सही। और अब तकरीबन जहाँ जहाँ भी हमने इंटरव्यू किया उन्होंने कहा जी खाद हमें उन्हीं रेट्स पे मिल रही है, सरकार के नोटिफाइड है। इसी तरह पेस्टिसाइड्स तमाम अवेलेबल हैं और इस दफ़ा आप हैरान होंगी कि साउथ पंजाब में काटन जो है वो बहुत अच्छी हुई है, ये भी आपको पता चला होगा कि कॉटन इस दफा बहुत ज्यादा, क्योंकि हम देखते हैं साउथ पंजाब में तो कॉटन की पैदावार में बहुत ज्यादा इजाफा होता था, लोग बड़ा काम करते थे इसके ऊपर। इस साल बड़ी अच्छी खबर है कि साउथ पंजाब में वेदर कंडीशन अच्छी थी इसलिए कपास की यील्ड पैदावार बहुत अच्छी हुई है। सही सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? एक ही मैसेज है कि जी अपने मुल्क के लिए सोचे और मुल्क के लिए काम करें। आपका मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, जब भी सोचें मुल्क की बेहतरी का सोचें, मुल्क के बारे में नेगेटिव परसेप्शन में कभी ना जाएं। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क का कोई कसूर नहीं है, कसूर अगर है तो हमारा है। ये बात आपने बड़ी वैसे प्यारी की। बहुत शुक्रिया आपका वसीम, आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजरीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदी कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर अकरम हुरैरी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी तारिक नदीम सईदी साहब जो कि नात खां हैं, आज हमारे साथ शो में मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मुहर्रम अल हराम का महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है, आज दो है,
तो इस दिन के हवाले से और इसके साथ साथ इस मुहर्रम के पूरे महीने के हवाले से हम बात करेंगे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ जो है हम मनकबत भी सुनेंगे, नात भी सुनेंगे। तो इसके साथ ही सबसे पहले क्योंकि हम देखते हैं कि मुहर्रम इस्लामी महीना, क्योंकि जैसे ही मुहर्रम का महीना स्टार्ट होता है तो इस्लामी साल का जो है वो उसकी इब्तदा होती है, इस हवाले से सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि क्यों और कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों के यहाँ ये एक खुशकिस्मती है कि मुहर्रम के महीने से उन्हें ये पता चल जाता है कि इस्लामी साल की इब्तदा हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बिलखसूस हमारे खित्ते में इस्लामी तारीख का वो रवाज नहीं है जिस तरह के अंग्रेज़ी तारीखों का रवाज है। तो इस लिहाज से या तो हमें जो चांद के महीने हैं रमज़ान के चांद का या ईद के चांद का पता चलता है, या फिर आज आके जो है वो मुहर्रम से पता चलता है कि ये इस्लामी महीना जो है वो शुरू हो गया है। तो बाहर जिन इलाकों में जो है वो इस्लामी तारीखों से ही तारीख का जो है वो रवाज है, वहाँ पे बिलौला हर किसी को इसकी अहमियत का पता होता है। तो बहरहाल मुहर्रम का जो महीना है वो इस्लामी तारीख का पहला महीना है इस्लामी साल का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा होते हैं, मक्का में कुछ अरसा गुजारते हैं, फिर मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाते हैं। तो उससे पहले जो साल होते थे वो हिजरी साल जो है वो कहे जाते हैं, और उस वक़्त जो महीनों का तायुन जो है वो चल रहा था वो कहा जाता है एक रवायत में कि आपसे की वलादत से 200 साल पहले किलाब बिन मुर्रा के ज़माने में महीनों का तायुन इस तरह कर दिया गया था जिस तरह के आज महीनों की तरतीब है, यानी मुहर्रम से शुरू होता है और ज़िलहिज्जा पर जो है वो ख़त्म होता है। तो ये एक रूटीन जो है वो उस वक्त जो है वो चल रही थी। आप अलैहिस्सलाम की वलादत होती है तो उसके 40 साल के बाद नबूवत नाज़िल होती है, फिर नबूवत से इसका आगाज़ कर दिया जाता है। सीरत की किताबें भी हमें ये बतलाती हैं कि यकम नबी, फिर उसके बाद 3 नबी जी, 6 नबी है, 7 नबी है, बिल आखिर जो है वो 13 नबी को आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। अब मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो वहाँ पे दो तरीक़ों का जो है वो पहचान है कि अल्लाह के नबी की नबूवत को इतने साल हो गए, अल्लाह के नबी की हिजरत को जो है वो इतने साल हो गए। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत गुजर गई, सैयदना उमर का दौर मुबारक आया, तो उस वक़्त हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये एक सहाबी रसूल हैं और बड़े ही मुतहम्मल मिजाज हैं। बाद में सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े मोतमत जो है वो ख़ास थे, उनके ख़ास साथी थे, बल्कि उनका जो नज़ा पैदा हुआ था उनमें इनके वकील की हैसियत से भी जो है ये खड़े हुए थे। तो उन्होंने एक ख़त लिखा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि आप हमें खतूत लिखते हैं उस पर तारीख का तायुन नहीं होता, तारीख के तायुन के बड़े फ़वाद हैं और इसका एक फ़ायदा ये है कि रिकॉर्ड को मेनटेन रखने में जो है वो फ़ायदा होता है कि कौन सा ख़त पहले आया, कौन सा बाद में आया और कौन से जो है वो इकदाम पहले किए गए और बाद में किए गए। तो फिर ये ख़त जाता है और उसके बाद जो है वो मुतहरक होते हैं, मुशावरत होती है और उसके बाद जो है वो कई आरा जो है वो सामने आती हैं। उन आरा की रोशनी में ये तय पाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत जिस साल हुई है वहीं से इसका आगाज़ कर दिया जाए इस्लामी साल का। लेकिन उसमें दो तीन आरा आ गई कि अल्लाह के नबी की वलादत जो है फ़लाँ महीने हुई है, फ़लाँ दिन हुई है। तो इस इख्तलाफ के पेश नज़र ये तय पाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हिजरत की है मदीना मुनव्वरा की तरफ वहाँ से इसका जो है वो आगाज़ किया जाए। अब एक चीज़ तय हो गई कि साल का आगाज़ जो है वो हिजरत से किया जाए। उसके बाद महीने का तायुन था कि किस महीने को साल का पहला महीना करार दिया जाए। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि आप अलैहिस्सलाम की वलादत से 200 साल पहले किलाब बिन मुर्रा के ज़माने में महीनों की तरतीब इस तरह जो है वो तय कर दी गई थी कि ये पहला महीना होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। तो उस वक़्त बिल इत्तिफाक यही तय पाया कि जो तरतीब चल रही है महीनों की हम उसी तरतीब को जो है वो शुरू करेंगे। अब कुरान हकीम की जो आयत है कि इन इद्दत शहूर इंदल्लाही इसना आशरा शहरा फी किताबिल्लाही, कि अल्लाह की किताब की रूह से साल के 12 महीने हैं और उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, और ये उस वक़्त से है जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया है। इसके ज़िमन में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक हदीस मुबारक भी है बुखारी शरीफ में मुस्लिम में,
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमाना अब उसी हालत में आ गया है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको पैदा फरमाया था कि साल के वही 12 महीने हैं और महीनों की तरतीब भी जो है वो वही ठहरी है और उसी वक्त से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साल के 4 महीनों को हुरमत वाला बनाया है, लिहाजा वो भी उसी तरह अपनी सूरत में जो है वो कायम और दायम हो गए हैं। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साल की तरतीब, साल के जो है वो 12 महीने और महीने की जो है वो पहली और दूसरा तीसरा जो नाम थे वो एक तरतीब में आगे रेगुलेट हो गए और आप अलैहिस्सलाम की तरफ से उस पर जो है वो मुहर सबत कर दी गई कि यही एक तरतीब है वो चलेगी। क्योंकि इसमें एक जो है वो बड़ी बात ये थी कि ज़माना जाहिलियत में जो है वो क्योंकि हुरमत वाले महीनों का तसव्वुर तो था उन लोगों में, लेकिन यह है कि जिनकी चपकलत शुरू हो जाती, जिनकी लड़ाई शुरू हो जाती, तो वो बिलखसूस अगर वो हुरमत वाला महीना होता तो वो क्या करते, ठीक है वो कहते हैं अगला महीना आ रहा है ना, मिसाल के तौर पर जो है वो रजब का आ रहा है, हम उसे रजब नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे ये शाबान का महीना है, लिहाजा जो है वो हम तुम्हारे साथ तो लड़ेंगे ना, तो अगला महीना जब हम लड़के तुमसे फारग हो जाएंगे तो फिर हम रजब को ले आएंगे। गोया के महीनों की तरतीब में वो बिल इत्तेफाक जो है वो फ़र्क कर लिया करते थे, लेकिन आप अलैहि सलातो सलाम ने कुरान करीम की आयत मुबारक है उसकी रूह से फरमाया कि ये जो आगे पीछे महीनों को करना ये एक ज्यादती के ज़ुमरे में आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो तरतीब है वो उसी के मुताबिक वो रहेगा। तो ये है एक मुख्तसर इसकी जो है वो सियाक व सबाक जो है वो इस्लामी साल के आगाज़ का और इस महीने के जो है वो आगाज़ का। सही, फिर मज़ीद भी आपसे जानेंगे इस महीने के हवाले से, साथ ही जो है हम तरह हम मुहर्रम अलहराम के जैसे ही महीना स्टार्ट होता है तो इसमें चंद अहम वाक़ियात भी हैं, उनका जिक्र भी है, उस हवाले से भी बताइएगा जी। मुहर्रम अलहराम इस्लामी साल का पहला महीना, तो इसमें एक तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने इस महीने से इस्लामी साल की इब्तदा की। फिर दूसरी एक निस्बत ये भी है कि जब उनकी शहादत होती है तो कहा यह जाता है कि 26 ज़ुलहज्जा को जो है वो उनके ऊपर तीर लगा था, यानी कत्ल का हमला हुआ था और उसके बाद जो है वो 4 दिन तक ज़िंदा रहे, 30 ज़ुलहज्जा को उनकी वफ़ात होती है और यकम मुहर्रम को उनका नमाज़े जनाजा अदा किया जाता है। तो इसके अलावा भी कुछ आ रहा है कि उनकी शहादत जो है वो ज़ुलहज्जा में हुई और उनका नमाज़े जनाजा भी ज़ुलहज्जा में अदा कर दिया गया, लेकिन ये एक मारूफ है अल-फारूक शिबली नुमानी रहमतुल्लाह की, उन्होंने भी अपनी किताब के अंदर सीरत फारूक को बयान करते हुए उनकी शहादत को जो है वो तस्करा किया है। इसके अलावा और बहुत से जो है वो तारीख लिखने वाले और सीरत लिखने वाले उन्होंने भी यकम मुहर्रम का हवाला दिया है कि उनकी शहादत जो है वो यकम मुहर्रम को हुई है। तो दूसरा मुहर्रम के साथ जुड़ी जो है जो अहले इस्लाम को जगाने वाली बात है वो पैगंबर अलैहिस्सलाम के साहबजादे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है कि उनकी इस महीने में शहादत होती है। तो इस हवाले से मुहर्रम चार दांगे आलम में जो है वो मारूफ मशहूर है कि मुसलमानों के यहाँ भी गैर मुसलमों के भी यहाँ कि इस्लाम के अंदर ये महीना बड़ी अहमियत वाला है और उसकी अहमियत की वजह खास यही है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत इस महीने में हुई है। तो आज चूँकि दो रबीउल अपना दो मुहर्रम है तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दौरान जो है वो कहा यह जाता है कि करबला में कूफा में इस वक्त पहुंच चुके थे और कुछ रवायात में भी है कि वो यकम को ही पहुंच चुके थे। सही। तो यहाँ पे वो पहुंचने के बाद जो है वो उनकी जो है वो टिकाना बनता है, आगे के लाए अमल बनाते हैं, उधर से उन लोगों को पता चलता है कि सैयदना हुसैन आ चुके हैं, तो वो ये यहाँ से जो है फिर मामला जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो 10 मुहर्रम को जो है वह अंजाम तक पहुँचते हैं। तो ये मुहर्रम के वाकयात में ये एक बड़े जो है वो सीरीज़ जो है वो ये कही जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो है वजह शोहरत मुहर्रम की वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है कि वो 10 मुहर्रम को उनकी शहादत होती है और इससे पीछे जो है वो चलते हुए वाकयात उनके तसलसल है और फिर वो जो ही सफ़र शुरू करते हैं वहाँ से उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग है कूफा वालों के साथ वो तस्करा आता है उनका, वो जो साथी अहबाब उन्हें बुला रहे होते हैं उनका यहाँ पे तस्करा मिलता है, फिर मक्का से जब वो चल रहे होते हैं तो वहाँ पे
पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथी सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है वो साथी हैं, उनके जो है वो गुफ्तगू के जो है वो तस्करे मिलते हैं। और इस हवाले से जो है ये सफ़र चलते चलते मालूम नहीं था कि ये अंजाम जो है वो ऐसा भी हो जाएगा। और जो है वो इस हालत में जब अंजाम होता है तो अनएक्सपेक्टेड जो है कि वो जाने वाले भी जो है वो ये समझ रहे थे कि हम जो है वो फातह की हैसियत जाएंगे, और यही इम्कान था। लेकिन जो है वो पासा जब पलटता है, कुछ तकदीर गालब आती है, कुछ हालात जो है वो ऐसे हो जाते हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो अल्लाह का हुक्म और उसका जो है वो फैसला यही था कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो शहादत हासिल कर ले। और इस जो है वो वाक़े को, इस शोहरत को, इस इवेंट को जो है वो मुहर्रम की एक ख़ास जो है वो वजह जो है वो शुमार किया जाता है पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में। तो ये एक यानी बुनियादी जो है वो हैसियत है। सही। अच्छा, जैसे जो हम सफ़र की बात कर रहे हैं, सफ़र करबला की अगर बात की जाए और जो कुफा के हवाले से बात की जाए, जो आप कह रहे हैं कि तस्करे मिलते हैं, थोड़ा सा इस डिटेल में हम भी जाना चाहेंगे कि ये जो एक महा स्टार्ट हुआ, जहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, वहाँ से ज़रा इस वाक़े को बयान कीजिएगा। देखिए, इसको जो है वो बयान करने वाले मुख्तलिफ अहबाब जो है वो मुख्तलिफ तरीके से बयान करते हैं। किसी ने किस नौयत से इसको जो है वो लिखा है, किसी ने किस नौयत से इसको जो है वो लिखा है। और जो भी जो है वो तस्करा करने वाला होता है, अगर किसी को वो उसका जो है वो तस्करा उस हैसियत से अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो इसको जो है वो दूसरे मानों जो है वो लेता है। तो ये एक तारीखी लिहाज से इसको देखा जाए और उसी लिहाज से तारीख के तालिब इल्म के तौर पर इसको अगर समझा जाए तो फिर तो यह आसानी से बात जो है वो समझ आने वाली है। अकीदत में रह करके बाज़ औक़ात इंसान जो है वो नहीं समझ सकता। अब मुसलमानों को क्योंकि अकीदत है, आप अलैहिस्सलाम के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं, अज़वाज मुहतरात हैं और आपका अहले बैत है, उनमें से सबसे ज़्यादा महबूब तरीन हस्तियों में से सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, दोनों साहबजादे बल्कि। तो क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की उनके बारे में फ़ज़ाइल मनाकब का बहुत ज़्यादा तस्करा मिलता है और ऐसे हैसियत से उनका तस्करा मिलता है कि कोई भी अहले ईमान, अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वाला, अल्लाह पर ईमान लाने वाला, वो उनके बारे में जर्रा बराबर भी शक को शुबा जो है वो अपने दिलों में जो है वो नहीं ला सकता। बिल्कुल। इसलिए अगर कोई हकीकत बात भी अगर सामने आती है तो वो भी नाकाबले बर्दाश्त हो जाती है। और ये ईमान का तकाजा है कि कोई भी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़रा भी बात जो है वो अपने दिल में लाने के लिए जो है वो तैयार नहीं होता। ये ईमान उसका जो है वो तकाजा करता है, इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मुझसे मोहब्बत की ना वो उनसे मोहब्बत करता है, और जो उनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, उनसे बोगद मेरे साथ बोगद है। ये निस्बत बहुत बड़ी है, ये जो निस्बत है ना वो ज़रा बराबर भी जो है वो तफावत नहीं लाने देती। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो है वो मोहब्बत और अकीदत जो है, फिर वो इन वाकयात को जब बयान किया जाता है, सुना जाता है और पढ़ा जाता है तो फिर वो मुख्तलिफ लिहाज से जो है वो तारीखी जावियों से जो है वो लिखे गए। एक उसको जो है वो लिखता है, दूसरा उसकी तरदीद करता है। कुरून उला से लिखे हुए वाकयात जो है वो आज के वाइजीन और आज के जाकिरीन और आज के तहरीर लिखने वाले वो उसकी जो है वो तनकीद करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं जी वो तो फलां था, वो फलां था और उसने फलां के बहकावे में आके ये बात लिखी। तो इसलिए ये एक ऐसा, मैं समझता हूँ कि सफ़र रोदात और ये ऐसा इवेंट और इसके साथ जुड़ी हुई जो स्टोरीज है ये उलझाव है बहुत बड़ा। तो इस उलझाव में जो है हो जाता है कि लोग इस चीज को जो है वो फिर उलझाव में जो है वो ऐसा उलझाव है कि इसके साथ जुड़े हुए बहुत बड़े अफराद और बहुत ज़्यादा फ्रीक है। तो वो हर एक जो है वो अपने एंगल से उसको देखता है, और जब वो एंगल अगर उस एंगल में अपने आप को उतार लेता है तो चाहे सामने वाला सीधी और सच्ची बात क्यों ना कर रहा हो तो वो बाद औकात जो है वो आताब का जो है वो निशाना बन जाता है। तो ये है। तो बहरहाल आम रवायात के मुताबिक सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 मुहर्रम अपना मुहर्रम को जो है वो मैदान करबला में पहुँच चुके होते हैं। वहाँ पर जो जिम्मेदारान होते हैं यजीद की तरफ से, उनको भी इतला हो जाती है, वो अपना बंदोबस्त जो है वो शुरू कर देते हैं। साद बिन उमर को जो है वो नॉमिनेट करते हैं कि जाएं उनकी सरकोबी के लिए, वो एक दरमियानी राह निकालने की जो है वो कोशिश करते हैं। सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम
उन तक पहुंचाते हैं कि वो कहते हैं कि मैं वापस चला जाऊं, मुझे जाने दिया जाए। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह से वफादार, वो इस तरह का जो है वो जुमला है कि एक इंसान को कोई ड्यूटी जिम्मेदारी जो है वो दी जाती है ना, तो वो उस पर ओवर एक्टिंग जो है वो करता है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो कूफा के जिम्मेदारान हैं उन्होंने वहाँ पर ओवर एक्टिंग की है कि हम शायद इसको जो है वो सर करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो दबा करके, या इनकी जो है वो दो सूरतें थी कि बैत ले करके या फिर इनको इनका सफाया करके हम शायद वहाँ पे जो है वो बड़े बन जाएंगे, हमें बड़ी जिम्मेदारियाँ मिल जाएंगी, या जो भी उनके जहनों में था। और यही चीज़ यहाँ पे आड़े आती है कि सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की इस आफर को भी जो है वो उन्होंने आगे तक ना पहुँचाया। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिया टेन में आपको खुश आमदी कहते हैं। जी, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं, कूफा के हवाले से हमारी बात हो रही थी। बात हो रही थी कि सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से ये बाकायदा पैगाम दिया गया कुछ रवायात के मुताबिक, मुझे वापस जो है वो जाने दिया जाए। मुझे तो यहाँ के लोगों ने बुलाया था तो मैं आया हूँ, तो अब यहाँ के लोग अगर मुझे नहीं मिलना चाहते या उनके आगे रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं कि वो मुझसे ना मिले, तो ठीक है मैं वापस चला जाता हूँ। और इस ज़मन में फिर एक और भी रवायत आती है जो बड़ी मारूफ है कि उन्होंने तीन जो है वो अपनी तजावीज़ पेश की कि मुझे या तो वापस जाने दिया जाए या फिर सरहदी इलाकों की तरफ जाने दिया जाए, आम लोगों की तरह मेरे भी हकूक हों जिस तरह के आम लोगों के हैं। और फिर एक ये भी तस्करा मिलता है कि मुझे या तो बराह रास्त यजीद के पास जाने दिया जाए, मैं उनसे खुद कम्युनिकेट कर लेता हूँ। तो कहा गया कि नहीं, आप इसके ऊपर अमल दरामद करें कि पहले बैत करें और उसके बाद आपकी जो है वो बातों को जो है वो पर अमल दरामद किया जाएगा। तो गोया के तकादा तो यही था कि जिस तरह के इमाम अली मर्तबत अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुझे जो है वो इन तीन तजावीज में से किसी एक पर अमल करने दिया जाए, तो अगर वो चाहते कि खून खराबा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, जंग ना हो, तो मसलहत के साथ इस मामले को जो है वो तय किया जा सकता था। लेकिन शरारत के जरिए से इस मामले को अंजाम तक ऐसे पहुंचाया गया, तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन का दौर जो था वो इस तरह फास्ट नहीं था कि हो सकता है कि अगर वो इस तरह फास्ट होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें कोई बेहतरी की सूरत मजीद जो है वो ले आते, लेकिन ऐसा जो है वो ना हो सका। तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के गिर्द जो है वो सात बिन उमर जो है उन्होंने कुछ अगर थोड़ी सी मसलहत दिखाना चाही जो उनके ऊपर जो है मुकर्रर थे, तो उन्होंने फिर और जो है वो लश्कर जो है वो भेजे। और सुनने में एक ये भी आता है कि साद इब्ने ज़ियाद जो था उनके दिल में भी मसलहत की रमक पैदा हुई थी, लेकिन उन्होंने जो एक नया कमांडर वहाँ पे तैनात कर दिया था वो शिमर जो है, उन्होंने जो है वो उनको जो है वो इस साइड पे आने ने दिया। और फिर उन्होंने जो है वो ख़त लिखा साद बिन उमर को भी कि अगर आप उनके खिलाफ मुदाहमत नहीं करना चाहते तो फिर या तो हमारे साथ मिलके उनके साथ जंग करें, नहीं तो फिर आप अपने अंजाम को जो है वो भी देख लें। तो फिर वो शिमर के जो है वो इंतहा पसंदा इकदामात से जो है वो 10 मुहर्रम का जो है वो वाकया पेश आता है और सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है वो शहादत जो है वो अल्लाह के अमर और उसके हुक्म से जो है वो हो जाती है। तो ये एक अंजाम की सूरत है सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की। तो इसको जो है वो हम जितना ज़्यादा जो है वो इसकी मजम्मत करें वो कम है जितनी ज़्यादा, क्योंकि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अफराद उस वक़्त उस काफ़िले में शरीक थे, आपके नवासे, आपकी नवासियाँ, फिर उनके आगे औलादें, वो सारे अफराद जो है वो 72 के करीब जो है वो लोग थे, वो सारे उसमें शरीक थे। तो उन लोगों को आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा जो है वो बिहेव हरगिज नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये देखिए ना, ये भी बड़ी बात थी, वो उस वक्त भी कोई ये नहीं कहा जा सकता कि कोई कुफार थे या काफिर थे या उस जंग में मुसलमान ही थे। जी जी, लेकिन इसको अगर एक पॉलिटिकल साइड के लिहाज से देखा जाए ना, कि सियासी लिहाज से देखा जाए, तो आज की मुखालफतें हम सियासी लिहाज से देख लें तो उस वक्त की तो ये मिलती जुलती कैसे नजर आती है। तो ये एक बेस है, मैं कहता हूँ कि जिस तरह नजरिया इस्लाम एक नजरिया है, इस तरह सियासत भी एक नजरिया है।
तो उन्होंने इसके अलावा अगर कोई नज़रिया आप अपना लेते हैं तो वो भी उसकी आइडियोलॉजी, तो उसके ऊपर जब इंसान का कोई नज़रिया बन जाता है तो उसके ऊपर वो मर मिटने पर तैयार हो जाता है। तो अगर इसको सियासी लिहाज से देखा जाए तो सियासत तो ऐसी बिलखसूस जो बादशाहत वाली सियासत है ये तो ऐसी गदली रही है कि इन्होंने तो सके बाप को भी जो है वो अपनी सीट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी बादशाहत के लिए जो है उसूली पे चढ़ा दिया, अपनी औलादों तक जो है उसूली पे चढ़ा दिया और अपने जो है वो भाइयों को जो है उसूली में चढ़ा दिया। ये खिलाफत के ज़माने में हम देखते हैं, ये तुर्कों की जो है खिलाफत चलती रही है। सुनने में आया है कि कई सालों तक जो है इनमें ये रवाज रहा है कि जो भाई तख्त पे बैठता था वो अपने सारे भाइयों को जो है वो कानूनी तौर पे जो है वो उनके सर कलम करवा दिए करते थे। तो ये देखिए कितनी बड़ी जो है वो हलाकत और बर्बादी वाली बात है कि अब हम देखें कि खून बहाना और इस्लाम में उसकी जो है वो हदीमत, क्या अल्लाह का कुरान कहता है कि एक आदमी का ना हक खून बहाया जाए और वो ऐसे है जैसे उसने पूरी इंसानियत का जो है वो खून बहा दिया, बिल्कुल ऐसे ही। और एक रवायत में मिलता है और वो रवायत अगर हम जहन में रखें तो शायद इंसान कोई भी ऐसा इंतहा पसंदाना इकदाम उठाने से गुरेज करे कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी के कत्ल में, एक मोमन आदमी के कत्ल में अगर पूरी इंसानियत भी जो है वो इकट्ठी हो जाए तो फरमाया अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि सारे लोगों को जो उसके खून में मुलव्वस हैं उठा करके जो है वो जहन्नम की आग में फेंक देंगे। कि कत्ल करना तो इंतहा दर्जे का जो है वो बुरा और बुरा तरीन जो है वो फेल है, और आप उसको अगर सियासी रंग दे के अपने आप को समझते हैं कि मैं बरी उज़िम्मा हूँ, या उसको कोई और रंग दे के जो है वो समझते हैं कि मैं बरी उज़िम्मा हूँ, तो वो कभी भी जो है वो नहीं हो सकता बरी। अच्छा, फिर हम उस दौर को देखें जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई, इतना बड़ा जो जुल्म हुआ, मासूमैन थे, मैं समझती हूँ इतना जो उनका पीछे एक मकसद था कि हक का उन्होंने साथ दिया और सच का साथ दिया और जुल्म के खिलाफ वो खड़े हुए। हमारे यहाँ तो अब जो हम देखते हैं, हम तो उस अजीम कुर्बानी का मकसद ही कहीं बहुत दूर तक भूल चुके हैं। हमें तो हक और सच कहने पर भी जो है जरूरत भी आज इसी बात की है कि सैयदना हुसैन अलैहि सलातो सलाम की जो तालीमात हैं उन पर अमल किया जाए तो ये मुआशरा बड़ा ही हुसैन हो सकता है। बिल्कुल, और उनकी शहादत का जो मकसद है उसको हकीकी मानों में जिंदा किया जाए। जी, ये खुद साख्ता जो है वो स्टोरीज खड़ी करके लोगों को जज्बात में लाना, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो खड़ा कर देना, ये अमन और रवादारी के माहौल को जो है वो खराब करने वाली बात होती है। तो अमन और रवादारी का वो दर्स देने वाले कि उन्होंने तो खुद मुजाहमत वाला जो है वो पहलू इख्तियार किया है, उन्होंने हथियार नहीं उठाए किसी के खिलाफ, और एक आदमी आप पर हमलावर होने की कोशिश करता है तो फिर इंसान अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करता है, तो वही उन्होंने किया। तो उन्होंने अगर यानी उस वक्त अगर वो सोचते हैं और वो ऐलान कर देते कि मैं इनके खिलाफ जो है वो ऐलान बगावत करने जा रहा हूँ तो यकीनन एक नहीं लाखों की तादाद में सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के गिर्द जो है वो मजमा इकट्ठा हो जाता और उनके साथ शाना बशाना होकर के जो है वो लड़ते। वो तो मक्का से रुखसत हो रहे हैं तो उन्होंने किसी को नहीं कहा कि आप मेरे साथ चले। बिल्कुल ऐसे हाँ जी, तो उनका तो शर फैलाने का इरादा ही नहीं था और वो आखिर दम तक जो है वो मसलहत की कोशिश जो है वो करते रहे। तो आज जो है वो अगर हम देखते हैं कि शर अंगेजी जो है वो हमारे हर एक पहलू के अंदर जो है वो दाखिल है, हमारे इकदामात के अंदर, हमारी आवाज़ों के अंदर, हमारी सोचों के अंदर, तो ये चीज़ें सैयदना हुसैन अलैहि सलातो सलाम की सीरत पढ़ने की ज़रूरत है और उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वो चीज़ें जो हम एक दूसरे के खिलाफ शर फैलाने के लिए जो है वो करते हैं ये हमें जेब नहीं देती। बिल्कुल जी, इसमें मज़ीद भी आपसे जानेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिया 10 में आपको खुश आमदी कहते हैं। अच्छा, जिस तरह मुहर्रम के हवाले से अगर हम बात करें तो क्योंकि इसके बारे में बहुत पहले ही जो है निशानियां जाहिर भी हुई। अच्छा, करबला की मिट्टी को जो है वो बहुत पहले ही कहा गया कि बड़ी सख्त मिट्टी इसको करार भी दिया गया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले इस बारे में जो है बताया गया, इस हवाले से बताइए उनके जो इरशादात हैं इस हवाले से। रवायात मिलती हैं जिनकी सेहत के बारे में कुछ हजरात मुत्तफिक हैं, कुछ नहीं है मुत्तफिक, लेकिन ये एक बात ज़रूर मिलती है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये हसन मेरा बेटा दो ग्रोहों के दरमियान
सुलह का सबब बनेगा, और दूसरे बेटे के बारे में अर्शाद फरमाया कि ये अल्लाह की राह में शहीद हो जाएगा। और कहा यह जाता है कि एक जो है वो शीशी दी थी, उसमें मट्टी थी, और कहा यह गया था कि ये अगर जर्द हो जाएगी तो समझ लें कि इनकी शहादत हो गई है। कुछ इस हवाले से रवायत मिलती है, और इसके बारे में कुछ लोग जो है मुहद्दिसीन हैं वो कहते हैं कि ये रवायत सही नहीं है, कुछ कहते हैं सही है। पर सही या गलत, सही भी मान लिया जाए तो तब भी ठीक है, सही ना भी तस्लीम किया जाए तो तब भी ठीक है, क्योंकि हकीकत तो रूनुमा हो चुकी। जी। तो इस हवाले से पैगंबर अलैहिस्सलाम पर और आपके औलाद पर ये जो तकलीफ़ों और मुसीबतों का आना, ये इसकी एक हिस्ट्री है। इससे पहले पैगंबरों की सीरत और उनके वाकयात को देख लिए जाएँ तो वो भी बड़ी बड़ी अजियतों में जो है वो गुजरे हैं। तो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो भी मुकर्रब तरीन इंसान होते हैं, अल्लाह उनको आजमाइशों से गुजारते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लीजिए कि आग के एक बहुत बड़े अलाव में फेंका गया, फिर अल्लाह की कुदरत से वो जो है वो सही सलामत बाहर आए। लेकिन उससे पहले वाली तकलीफ वो तो आप तसव्वुर करें ना कि कितनी बड़ी है कि आग में जो है वो किसी को फेंका जाना, कि उसके बाद नामो निशान नहीं है। उनके बेटे हैं सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनके गले पे जो है वो छुरी चलाई गई। बाप भी समझता है कि ये मेरी अकलौती औलाद है, और बेटा भी समझता है कि मैं अबू का अकलौता बेटा हूँ। शैतान ने भी बड़ा वसवसा डाला कि इस तरह करोगे तो औलाद से महरूम हो जाओगे। हाँ। तू अपने बाबा से महरूम हो जाएगा, उससे तू पैदा हुआ था, तुझे बाहर निकाल दिया, खुद अकेले मदे करते, तरह तरह के वसवसे। लेकिन यह है कि अल्लाह की रजा और उसकी खुशनूदी जो है वो माटो होता है, इंसान का मकसद होता है, उसका हसूल। तो इसलिए अल्लाह की रजा के लिए हर वो अमल कर गुजरता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो इसलिए बेटे ने भी कहा कि अल्लाह मेरे अब्बा जान, जो अल्लाह चाहते हैं उसी तरह आप कर गुजरिए, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो उन्होंने अपने बेटे को जो है वो ज़िबा किया, वो अल्लाह की कुदरत है कि उन्होंने वो बच गए, और अल्लाह ने उसकी जगह पे एक नई सुन्नत जो है वो जारी कर दी। ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनको आरे के अंदर रख के जिस तरह लकड़ियाँ चीरी जाती हैं उनको जो है वो चीरा गया। हाँ जी, तो ये इस तरह के वाकयात जो है वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की सीरत से जो है वो जुड़े हुए हैं। अम्बिया अलैहिस्सलाम को लोगों ने जो है वो कत्ल किया, उसके ऊपर अदाब आए कौमों के ऊपर। तो इसी तरह जो है वो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है वो इसी तरह शहादत के मरतबे पर फायज कर दिया गया। तो उसके बाद देखें कि एक कितने बड़े फितने ने जो है वो जन्म लिया, कि एक बहुत बड़ा ग्रोह जो है वो उनकी शहादत का बदला लेने के लिए खड़ा हो गया, और एक दूसरा ग्रोह है जो उनकी अकीदत में गुल्व की हद तक जो है वो आगे बढ़ गया। यानी उम्मत के अंदर एक यानी खला जो है वो पैदा हुआ सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से। वो एक तो ये वजह थी कि एक आम मुसलमान भी अगर उन्हें कंसीडर किया जाए तो ये फिर भी ये जुर्म बहुत बड़ा है, क्योंकि हदीस रसूल के मुताबिक जो है वो सारी उम्मत भी अगर बेगुनाह किसी फर्द के जुर्म उसके कत्ल में शरीक हो जाए तो अल्लाह को वो भी जो है वो पसंद नहीं है, बल्कि अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि सारों को उठा के जो है वो जहन्नुम में फेंक दे। तो ये तो फिर भी आले रसूल से उनका ताल्लुक है। फिर आले रसूल में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे फरामीन फदाइल और तालीमात हैं उनके बारे में कि जिनको सुनने के बाद एक आदमी जो है वो नस्ल दर नस्ल कयामत की दीवारों तक भी आले रसूल से मोहब्बत करने के लिए जो है वो तैयार रहता है। क्योंकि ये ईमान का तकाजा है कि आज भी अगर मेरे सामने कोई कहे कि मेरा ताल्लुक आले रसूल से है तो मेरा ईमान तकाजा करता है कि मैं उसके आगे झुक कर मिलूँ, अदब व एहतराम से उसके साथ पेश आऊँ, हाँ जी, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखूँ, उसको इंतहा दर्जे का अदब और एहतराम दूँ। ये ईमान का तकाजा है। तो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस नवासे के बारे में अरशाद फरमाया कि ये जन्नत की खुशबू है। हाँ जी, ये अरशाद फरमाया कि जन्नत के सरदारों में सरदार है। ये अरशाद फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत, जो इनसे बुगद रखेगा वो मुझसे बुगद रखता है। हाँ जी, इस तरह बहुत सारे अरशादात आप अलैहिस्सलाम आप खुतबा अरशाद फरमा रहे हैं, दौरान खुतबा जो है वो उठा के उनको अपने कंधों पे जो है वो बिठा लेते हैं, नमाज की हालत में हैं तो अपने ऊपर उनको सवार किए रखते हैं। तो गोया कि ये इतनी ज़्यादा एफिलेशन है वो कम अज़ कम एक मुसलमान को दुजेब नहीं देती कि उनके बारे में कोई ऐसे इकदाम उठाए। इसलिए आज का जो है वह अहल ईमान वो समझते हैं कि सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की कत्ल की साजिश में जितने भी अफराद थे वो मुसलमान नहीं हो सकते, इसलिए कि मुसलमान होना फिर अहले ईमान होना और मुसलमान
होना, मोमन होना, ये तकादा करता है कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और उल्फत से पेश आया जाए। और उन्होंने मोहब्बत और उल्फत कहाँ रखी है, उनको तो सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकादा आज भी जो है वो जिंदा है अहले ईमान के दिलों में। वो सैयदना हुसैन से, उनकी नस्ल से, उनकी औलादों से आज 14-15 पुश्ता गुजरने के बावजूद वो उनसे मोहब्बत रखती है। बिल्कुल ऐसे ही है बेशक, और मोहब्बत का ये सिलसिला जो है वो कायम दायम रहेगा जब तक सांसें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने मुहर्रम के हवाले से काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका, तारिक नदीमी साहब आपका भी। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया, तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।